दोस्तों सरकार ने राशन कार्ड के लिए एक नई ऐप लॉन्च कर दी है, जिसमें आप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए एलिजिबल है या नहीं। इतना ही नहीं, इस ऐप की मदद से आप अपने नज़दीकी राशन कार्ड डीलर का एड्रेस और उसका लोकेशन भी निकाल सकते हैं, और आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, और आपको कितना राशन मिलना चाहिए, कितना गेहूँ मिलना चाहिए, कितना चावल मिलना चाहिए, ये सारी डिटेल आप एक ही ऐप से निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है मेरा राशन, ठीक है। सर्च करेंगे, आपके सामने जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा उसे आप ओपन करेंगे। ये 100% सरकारी ऐप है, जिसे कुछ ही दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, फिर आप ओपन करेंगे, इसके सभी परमिशन को अलाउ करेंगे। आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके आप अपने इस ऐप का लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। आप इसे हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ से आप अपनी राशन कार्ड को वन नेशन वन राशन कार्ड में रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप अपने उस राशन कार्ड का नंबर देंगे जिसे आप ONORC में रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस राशन कार्ड की सभी डिटेल आ जाएगी। इस राशन कार्ड का होम स्टेट क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्कीम टाइप क्या है और इसका एड्रेस क्या है, ये सभी चीज़ आपके सामने आ जाती है। इस राशन कार्ड में कितने मेंबर जुड़े हैं, उनकी मेंबर आईडी, मेंबर नेम और राशन कार्ड होल्डर से इन सारे मेंबर का क्या रिलेशनशिप है, वो भी यहाँ पर आ जाता है। जिस भी फैमिली मेंबर को आप वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत माइग्रेट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन किसी दूसरे स्टेट में रहने लगा है और अब ये अपना राशन उसी दूसरे स्टेट से लेना चाहता है, तो सिंपली उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको माइग्रेशन डिटेल्स देना है। सबसे पहले यहाँ पे आप वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में आप रहने लगे हैं या आप वहाँ काम करने लगे हैं, उसे यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपको माइग्रेशन डेट और ईयर को सेलेक्ट करना होगा कि कौन से मंथ और कौन से ईयर से वो वहाँ माइग्रेट करने वाला है या कर चुका है, ठीक है। उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, फिर यहाँ पे आपको माइग्रेशन कारण देना होगा, माइग्रेशन रिमार्क देना होगा, आप किस कारण से उस दूसरे स्टेट में रहने लगे हैं। यहाँ पे आपको कई सारे कारण मिल जाते हैं, कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने स्टेटस आ जाएगा, कार्ड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, एक्नोलॉजमेंट आईडी यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। सिंपली आपको इसे स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लेना है, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप अपना राशन इस स्टेट से इस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह पर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है नो योर एंटाइटलमेंट, यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कितना राशन मिलना चाहिए, कितना गेहूं मिलेगा, कितना चावल मिलेगा, कितना दाल मिलेगा, ये सारी डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना राशन कार्ड नंबर देंगे। अगर आपको राशन कार्ड नंबर याद नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर देकर भी चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड नंबर देने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी सभी डिटेल आ जाएगी, आपका होम स्टेट क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, किस स्कीम के तहत आपको ये राशन कार्ड मिला है, राशन कार्ड का नंबर आ जाएगा और यहाँ पे FPS ID यानी कि आपके राशन कार्ड डीलर का ID भी आ जाएगा, एलोकेशन मंथ आ जाएगा और एलोकेशन ईयर क्या है, वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और नीचे आपको ये बता दिया जाता है कि आपको कितना गेहूँ मिलना है, कितना चावल मिलना है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी जाती है और कौन से प्राइस में मिलेगी, कौन से रेट में मिलेगी, वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। अगर आपको दाल और चीनी दोनों मिलती है तो यहाँ पर आपको दाल और चीनी की भी डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है नियर बाई राशन शॉप्स, इसे आप आसानी से अपने नज़दीकी राशन शॉप का पता कर सकते हैं। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके नज़दीक में जितने भी राशन डीलर होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, उनका एड्रेस आ जाएगा, साथ ही उनका लोकेशन भी यहाँ पर आ जाएगा। उस लोकेशन की मदद से आप आसानी से उस राशन शॉप पर जाकर अपना राशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन मिलता है वन नेशन वन राशन कार्ड स्टेट, इससे आप ये पता कर सकते हैं कि अभी कौन से स्टेट में वन नेशन वन राशन कार्ड पूरी तरह से लागू हो गया है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंडिया का मैप आ जाएगा। यहाँ पर आपको जितने भी स्टेट में ग्रीन डॉट दिख रहे हैं उस स्टेट में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गया है
और जितने भी स्टेट में आपको रेड डॉट दिख रहे हैं उस स्टेट में अभी पूरी तरह से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू नहीं हुआ है। जिस भी स्टेट के बारे में आप डिटेल निकालना चाहते हैं उस डॉट पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने उस स्टेट की सभी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपको पांचवा ऑप्शन मिलता है माय ट्रांजैक्शन का। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपने पिछले 6 महीने में कितना राशन उठाया है, कब उठाया है, ये सारी डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। माय ट्रांजैक्शन पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना राशन कार्ड नंबर देंगे, फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी सभी डिटेल आ जाएगी, आपका होम स्टेट आ जाएगा, आपका स्कीम टाइप आ जाएगा और कंज्यूमर का क्या नाम है, राशन कार्ड होल्डर का क्या नाम है, वो भी नाम यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट से ये राशन लिया गया है वो भी यहाँ पे बता दिया जाता है। ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, रेगुलर है। यहाँ पे सेल FPS ID क्या है, राशन कार्ड डीलर का ID क्या है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। कौन से डेट में राशन लिया गया है, कितना गेहूं लिया गया है, कितना चावल लिया गया है वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। यहाँ पे आपको छठा ऑप्शन मिलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। इस ऑप्शन से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए एलिजिबल है या नहीं। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर देंगे, आप चाहें तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भी दे सकते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको वही आधार कार्ड नंबर देना है जो आपके राशन कार्ड नंबर से लिंक है। तो सिंपली आप यहाँ पे राशन कार्ड नंबर देने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके राशन कार्ड की सभी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपको रिमार्क्स और स्टेटस बता दिया जाता है। बेनिफिशियरी विथ डुप्लीकेट UID में अगर यहाँ पे नो लिखा हुआ है तब तो ये ठीक है, अगर यहाँ पे यस लिखा हुआ आपको नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड दो राशन कार्ड से लिंक है, इसलिए यहाँ पे नो लिखा हुआ होना चाहिए। IMPDS एबिलिटी में अगर यहाँ पे यस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए एलिजिबल है। अगर यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो फिलहाल आपका राशन कार्ड अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर यहाँ पे सेल डिटेल्स इन IMPDS में नॉट अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, अभी फिलहाल यहाँ पे नॉट अवेलेबल है। अलाउड फॉर IMPDS में नो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे यस लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है कि आप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए एलिजिबल हैं। फिलहाल ये राशन कार्ड अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरे राशन कार्ड का एलिजिबिलिटी चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरे राशन कार्ड का नंबर दे दिया है, सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस राशन कार्ड की सभी डिटेल आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमार्क्स में बेनिफिशियरी विथ डुप्लीकेट UID नो है, बिल्कुल ठीक है। IMPDS एबिलिटी में यस है, बिल्कुल ठीक है। सेल डिटेल इन IMPDS नॉट अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है। अलाउड फॉर IMPDS यस है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए एलिजिबल है। ये पर्सन चाहे तो अपना राशन इंडिया के किसी भी स्टेट से ले सकता है। यहाँ पे आपको 7वें नंबर पर आधार कार्ड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन की मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से लिंक है या नहीं। जैसा कि आपको पता है कि राशन लेने के लिए आपका राशन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना राशन कार्ड नंबर देंगे या आप चाहें तो अपना आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पर देकर सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके राशन कार्ड की सभी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको ये बता दिया जाता है कि इस राशन कार्ड के कौन से मेंबर का आधार कार्ड लिंक है, कौन से मेंबर का आधार कार्ड लिंक नहीं है। आप देख सकते हैं जिस भी नाम के आगे आपको यस लिखा हुआ नजर आता है इसका मतलब है कि उस पर्सन का आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से लिंक है, और जहां पर आपको नो लिखा हुआ नजर आता है इसका मतलब है कि उस पर्सन का आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से लिंक नहीं है। यहाँ पे आपको 8वें ऑप्शन से आप चाहें तो अपना खुद का सुझाव या सजेशन दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर लिखेंगे, रेटिंग देकर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिख जाता है। ये लॉगिन करने का ऑप्शन आपके लिए नहीं है, सिर्फ ये ऑफिशियल के लिए है, सिर्फ अधिकारी ही यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको FPS फीडबैक का भी ऑप्शन दिख जाता है। इसके मदद से आप चाहें तो अपने राशन कार्ड डीलर की शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे राशन कार्ड डीलर की ID को इंटर करेंगे, या अगर आपके पास उसका शॉप नंबर है तो यहाँ पे आप शॉप नंबर भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पर आप अपना फीडबैक को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे शिकायत को लिखेंगे, फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए टेक ज़ेफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।